अभी आप हो वीरेंद्र सिंह के शो में, इस शो का नाम है आप खुद डिसाइड कर लेना, मुझे तो आ नहीं रहा दिमाग में कोई नाम। तो अभी मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा, पहला क्वेश्चन। तो भाई मुझे बता, तूने इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे की? मतलब तो तूने शुरू से सोचा था कि तूने एक्टर बनना है या फिर कुछ और? यस, आई एम अ बॉर्न टैलेंट, मतलब सॉरी आई एम अ बॉर्न टू एक्ट बिकम एक्टर, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। मैं पैदा ही एक्टर हुआ था। मतलब पैदा होते ही मैंने ऐसा इमोशनल सीन किया था ना, मतलब बहुत रोया था मैं पैदा होते ही बहुत। नहीं एक्चुअली शुरुआत ऐसे नहीं हुई मेरी। और नर्स बोलते थे हाय तू कौन? मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और मुझे मतलब आवड होती है आज पसंद, मतलब कहते ना कि मैं फिल्में देख देख के बड़ा हुआ हूँ, बहुत कार्टून टेलीविजन देख के बड़ा हुआ हूँ, तर मला आवड आहे आणि होती। तर एकदा असंच कोल्हापूरमध्ये मी जॉब करतो, तिथे काही ग्रुप झाला आमचा, एक मित्रांचा ग्रुप झाला काही मित्रांचा, त्याच्यामध्ये कोणी मॉडेल होतं, कोणी ॲक्टर होतं, कोणी फोटोग्राफर होतं, काही जणांनी थिएटर केलं होतं, काही जणांनी शॉर्ट फिल्म्स केलं होतं। सो असा एक ग्रुप बनला होता आणि त्यांच्यानी फोटोशूट केलं होतं, काही ॲड्स शूट केलं होतं प्री शूट काही प्रोडक्टसाठी। तर तसा तो ग्रुप बनला होता आणि त्याच्यामध्ये मी जॉब करत असताना तो एक ग्रुप बनला आणि एका दिवशी मला ऑफ होतो आणि मला फोन आला होता की पुण्याला एका फिल्मचं ऑडिशन आहे, तुम्ही तू येतोयस का आमच्यासोबत? आम्ही चाललोय। मग आम्ही चार पाच जण गेलो होतो, पाच जणांनी गेलो होतो। तर पुण्याला गेलो, ऑडिशन दिलं आणि त्यावेळेस मलाही सुट्टी होती, पुण्यात एका फिल्मचं ऑडिशन दिलं आणि दोन तीन दिवसानंतर त्या प्रोडक्शन हाऊसकडून मला फोन आला होता की तुम्ही शॉर्टलिस्टेड आहात। आणि आम्ही सगळे शॉक होतो कारण त्यांचं झालं नाही, माझं कसं होणार वगैरे। मला सुरुवातीला वाटलं होतं की कोणीतरी प्रँक करतंय, बट इट वॉज नॉट अ प्रँक। आणि सगळे खुश की मला काम मिळालं। आणि 2015 मी माझी पहिली फिल्म केली होती सरगम नावाची, की त्या पद्धतीने मला हे काम मिळालं होतं आणि या इंडस्ट्रीत माझं ते पहिलं काम। ओके, बहुत अच्छा आंसर दिया तूने पहला। हम अगर थोड़ा और चंगा लोना वाला पहुंच जाते कारगर से। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये दूसरा सवाल। भाई मुझे बता कि तू बालू मामा करेक्टर तो कर ही रहा है, तो कोई ऐसा करेक्टर जो तू करना चाहता है, जिसकी तू वेट कर रहा है कि यार मैं काश कोई मुझे ऐसा करेक्टर ऑफर करे और मैं करूँ, ऐसा कोई करेक्टर है तेरे दिल में? है, मतलब मैं क्राइम पेट्रोल लगता था ना, तो मुझे लगता था कि मैं एक दिन ऐसी लाश जरूर बनूंगा। देख ये जो ये करेक्टर है तो बड़े बड़े महान बंदों को मिलते हैं। और जो लागिर में जो एक सरदार जी का किया था, हाँ जी, तो वो एक लाइक मेरा ड्रीम जॉब, वो मुझे करना है, ड्रीम रोल है मेरा। देख नहीं, लेकिन वैसे बहुत सारे रोल है, बट ये तो करना ही है जिंदगी में एक बार। और वैसे मुझे, मैंने बहुत जगह बोल के रखा है, मुझे ग्रेजुएट कैरेक्टर करना बहुत पसंद है। okay. बहुत ही ज्यादा, मतलब आक्रोश में जैसे परेश रावल जी ने किया था, या फिर जैसे अभी KGF में यश ने किया है। okay. और मुझे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कर्नन में ग्रेजुएट कैरेक्टर कर्नन, या फिर धनुष की कोई भी फिल्म उठा लो, असुरन, तो वैसे कुछ तो रोल है जो मुझे करने, और आई विश कि मैं कर पाऊँ जिंदगी में आगे। okay. ये बढ़िया तुझे मिलेगा यार, एक्टर बहुत अच्छा है और तेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मुझे रोल है अच्छा मिले। मैंने कहा ना गलती, अभी तूने ही कहा था गलतियाँ सबसे होती है। हम इंसान है, कई इंसान गलतियों का पुतला है, होती मैं करूँगा तब मित्र निवड़ने का क्या करें। ठीक है, अब तीसरा सवाल भाई मुझे बता कि अगर तू पास्ट में ये चीज नहीं करता जो एक्टर नहीं होता, अगर किस चीज की वजह से तू एक्टर बना है? किस चीज की वजह से? मतलब पास्ट में तुझे लगता है कि मैं ये करता ना तो आज मैं एक्टर नहीं होता, होता ना कि यार अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेता ऑडिशन जाना या फिर मेरा जॉब क्विट करना, वो अगर मैं डिसीजन नहीं लेता पास्ट में,
शायद आज मैं एक्टर नहीं होता। ओके ठीक है, मतलब तेरे जॉब छोड़ी तो एक अपने आप को अपने आप पे विश्वास किया। वही है, लाइक मैंने खुद को एक चांस दिया था। ओके और इसमें मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब है उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। और क्या है, मैंने कोशिश करना बंद नहीं की, तो ये चीज़ है कि अगर मैं कोशिश करना बंद कर देता तो शायद मैं आज एक्टर नहीं होता। सही बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये है, और लाइफ एक बार मिली है भाई, अपने आप को चांस देना बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, कुछ किसी की मजबूरी होती है, किसी के कुछ होते हैं, पर यार लाइफ इज़ गुड। अब जो भी काम करो, मैं बोलो दिल से करो, बढ़िया होगा। हाँ यही है कि जे काही करायचं आहे ते मनापासून करा, म्हणजे कोणी म्हणतंय म्हणून तुम्ही ते करू नका। की कारण माझ्या बघण्यात अशी खूप लोक आहेत की ज्यांना त्यांचा मित्र म्हणतात, अरे तू तर हिरो सारखा दिसतोस, तुला पिक्चरमध्ये जायला पाहिजे, किंवा त्यांचं घरचे म्हणा किंवा त्यांचे नातेवाईक असतात ते म्हणतात, अरे तू तर या हिरोपेक्षा काही कमी आहे का, तू तुला काय नाही असला दिसतो चांगला वगैरे, तू पिक्चर लाईन मध्ये जा किंवा फिल्म कर, हे कर, हिरो बन। सो हे बोलायला सोपं आहे, पण आय थिंक ते करणं किंवा तिथपर्यंत पोहोचणं खूप अवघड आहे, वहां तक पोहोचणं बहुत मुश्किल आहे। सही आहे, सही आहे, बहुत बढिया आंसर दिया भाई ने। अभी मैं चौथा सवाल ढूंढता हूँ, तब तक के लिए मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, सोचने पड़ते हैं। गिफ्ट हैम्पर रेडी रखना प्लीज। हाँ मैं रेडी, सब रेडी है, टेंशन मत ले, अपने फ्लैट में घूम रहे सब रेडी है। चलो चौथा, जब तक सोचता हूँ कौन सा पूछूं, तब तो ब्रेक लेता हूँ। हाँ ब्रेक, टन टन है। अभी आपका चौथा सवाल, ये सवाल सवाल भी है और कुछ जवाब भी है, अपने आप में ही जवाब, एक अपने आप में ही एक जवाब। यस यस, आने दो आने दो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एक एक्टर की लाइफ और एक मतलब नॉन एक्टर की लाइफ में क्या डिफरेंट समझते हो, कि क्या मुश्किल आती है एक्टर को? और क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि एक्टर की जो इनकम होती है ना, वो स्टेबल नहीं रहती, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, और लोन भी नहीं मिलता बेसिकली, और स्ट्रगल बहुत है और पेशेंस बहुत है, कि हमें पेशेंस रखना पड़ता है ये सब चीज़ों में, कि करेक्टर आएगा कोई, या हम ऑडिशन देते हैं, या ये नहीं पता कि हमें कब फोन आ जाए कि करेक्टर के लिए। तो तू इस चीज को कैसे सोचता है, मतलब इस मतलब करेक्टर की, एक्टर की लाइफ को? देखो एक्टर की लाइफ अगर फेम और थोड़ा सा काम वाम छोड़ के कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल ही है। आणि मला असं वाटतं की हाँ, तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही एक वेल नोन ऍक्टर होता, त्यावेळेस तुमची लाइफ थोडीशी, तुम्हाला पर्सनल लाइफ खूप कमी होते तुमची, तुम्ही जिथे कुठे जात असाल तर तुम्हाला लोक तिथे ओळखतात, तुम्हाला प्रायव्हसी मेंटेन करणं होत नाही, आणि तिथे बट ते लोकांचं प्रेमच असतं डेफिनेटली, लोक ज्यावेळेस भेटतात बोलतात ते आपल्या कामाची पोच पावती असते, आणि पर्सनल लाईफ ही तशीच काहीतरी असते। स्ट्रगल दोन्हीकडे आहे, म्हणजे ऍक्टर झाल्यानंतर सुद्धा तितकाच स्ट्रगल आहे, आणि पर्सनल लाईफमध्ये सुद्धा फॅमिली म्हणा किंवा मित्र असतील, त्यांना स्टेबल ठेवणं किंवा ते एक रिलेशन मेंटेन ठेवणं सगळ्याच गोष्टीत, तर तेही तितकंच इम्पॉर्टंट असतं। आणि कामाची कन्सिस्टन्सी मिळवणं ठेवणं, कामाची कन्सिस्टन्सी ठेवणं कामात, तेही ॲक्टरसाठी तितकंच इम्पॉर्टंट आहे। आता तुम्हाला बँक लोन वगैरे, तर ते असं ना की ॲक्टरला लोन वगैरे मिळत नाही असं नाही आहे, बट खूप कमी चान्सेस असतात। आणि तर हेच आहे की दोन्ही सिमिलर वाटतात मला, असं काही इतक्या काही वेगळ्या नाही आहेत लाईफ, कारण सेम आहे, म्हणजे तेही जे आपण नॉर्मल लोक आहेत, म्हणजे नॉन ॲक्टर लोक वगैरे आहेत ना, ते त्यांचंही असंच आहे की बस दिन का गुजारा हो, या फिर त्यांची काहीतरी स्वप्न असतात, तसंच ॲक्टर लोकांचंही काहीतरी स्वप्न असतं की मला हे काम करायचं आहे, मला तो अवॉर्ड मिळवायचा आहे, मला हे करायचं आहे ते करायचं आहे, अशा बऱ्याचशा गोष्टी कामाच्या चॉईसेस खूप असतात। हा तर हाच एक फरक आहे असं मला वाटतं, की तुम्हाला कामात कन्सिस्टन्सी ठेवणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, मतलब आप दिखोगे तो ही बिकोगे, बिकोगे असं ॲक्टरच्या बाबतीत होतं, तुम्हाला ते मेंटेन ठेवणं खूप इम्पॉर्टंट असतं। आणि नॉन ॲक्टर लोकांचं असं आहे की भाई बस हसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। और मैंने एक और चीज देखी है, मेरा मानना है ऐसे,
कि मतलब ऑडियंस ना बहुत मासूम होती है, मतलब जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं एक्टर ऐसे ऐसे है, एक बंदे को कोई मतलब एक बंदा किसी एक्टर को मिला तो उसने फोटो खिंचवाने की उसने थोड़ा रूड बिहेव कर दिया, तो मतलब बहुत एटीट्यूड है ये सब चीज़ें। मुझे लगा ऐसा नहीं, क्योंकि उसकी कुछ पर्सनल चीज़ें होती है जो घर के इशू, अपने बहुत सारे इशू रहते हैं, कौन से मूड में होता है, कौन से संगतो ना, इतना आमची पर्सनल लाइफ काही अशी वेगळी नाही आहे, किंवा आमची लाईफ इतर काही, आम्हाला सेम तेच प्रॉब्लेम आहे, फॅमिली प्रॉब्लेम असतील म्हणा, फायनान्शियल इश्यू असतील म्हणा, किंवा काहीतरी म्हणतो ना आपण खूप प्रॉब्लेम जे इतर लोकांनाही असतात, असं नाही की आम्ही ऍक्टर झाल म्हणजे आमचं सेटल झालं असं काही नाही, तो येही होत आहे भाई, मतलब ये नतीजा ही निघत आहे, सब अच्छे आहे भाई, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो और नजारे लो, लाइफ एक बार मिली है उसको खुल के जियो, और लिमिट के साथ, ऐसा नहीं कि खुल जाओ पूरा, ऐसा भी नहीं, लिमिट के साथ सब अच्छी अच्छी लगती है, और मेन पॉइंट है खुशी, आपको जिस काम में खुशी मिले वो करें, मैंने इसका आंसर मैंने दे दिया। चलो अभी पांचवा क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन की, तेरे वाला क्वेश्चन, मेरे और अंकित में से तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैं बहुत ऑब्वियसली कहूंगा तू, अनिकेत भी, मतलब मैंने पहले ही कहा था अनिकेत के साथ मिलना जुलना ज्यादा नहीं होता, तेरे साथ बहुत सारी बातें शेयर होती है, जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था ब्लॉग की, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू भाई है मेरा, धीरे है, मैं तुझे कभी सनी करके भी नहीं बोला था, तो इट्स लाइक अनिकेत भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब लागिर ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त दिए, आई ऑब्वियसली चूज यू, सॉरी आने आने ताकि तू कोई रिएक्शन ना करे, पर लव यू ब्रो, तो तू जैसा भी है कमीना है, जैसा भी अच्छा काय मत आने, आज तुझं असं आठवण आली आम्हाला, आम्ही ठरवून हे प्रश्न विचारले होते, असंच आठवलं आणि विचारावं म्हणलं रे, कारण तू गेलाच गायबच झालास, फोन करत नाही काय नाही, मग आपण त्याच्यासाठी, क्योंकि हमने सोचलं होतं किसी झूठे की तारीफ करू, म्हणजे तेरी सोच तर बढिया ब्रो, मैं सोच तो कोई कमीनो बंदों को याद करे या तुझे याद कर लिया, ठीक है, मेरे हुए पांच क्वेश्चन खत्म, नतीजा ये निकला है कि दोनों सेम ही थे, जीता मैं ही हूँ ऑब्वियसली, नहीं हाँ निर्णय तुम्ही घ्या, म्हणजे कोणाचे आंसर छान वाटले आणि कोणी चांगले प्रश्न विचारले हे तुम्ही ठरवा, आणि आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा कि आम्हाला, आता पुढच्या वेळेस आम्ही जर ब्लॉग बनवू ना त्यावेळेस रॅपिड फायर वगैरे असे काहीतरी प्रश्न आम्ही ट्राय करू, सो बघूया आता तुम्हाला हा आमचा ब्लॉग आवडतोय का, आणि आता आम्ही जवळपास आमचं विमान लोणावळ्यात पोहोचलंय, जे आम्ही मगाशी स्वित्झर्लंड म्हणत होतो तेच आमच्या हे लोणावळा स्वित्झर्लंड पेक्षा कमी आहे, तर आता लोणावळ्यात पोहोचलं, आता आम्ही डिनरला थांबणार आहोत, डिनर नाही लंच, लंच सॉरी यार, कोई बात नहीं, इंग्लिश हो जाती है, इंग्लिश में हमें एडजस्ट करना पड़ता है, इंग्लिश की दिन रात नहीं देखते हम, बहुत आगे आ गए थे, हाँ पीछे था वो, चलो कोई बात, चलो कोई बात नहीं भाई जान, हो जाता है सब कुछ, कोई नहीं यहाँ से है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो ये क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग था, तो और मस्ती मजाक करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, तो भाई तब तक के लिए रब रखा, ओके ब्रो, यप, बाय बाय बाय।